सो हे गाइस, स्वागत है आपका फैक्टूज के चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों डोरेमोन नोबिता के कबाड़ में सोता है। हालांकि नोबिता के घर में फर्स्ट फ्लोर पर दो रूम्स हैं, एंड आखिर क्यों नोबिता इस रूम को कभी नहीं खोलता, आखिर क्या है इस रूम का सच, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों डोरेमोन इस रूम में नहीं सोता, एंड या फिर नोबिता कभी इस रूम में क्यों नहीं जाता। गाइस, इसकी वजह सारे लोग ये समझते हैं कि ये स्टोर रूम है या फिर इस रूम का दरवाज़ा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से ऐसी कोई वजह नहीं है। तो गाइस, इसकी असल वजह यह है कि ये कमरा असल में नोबिता की दादी माँ का कमरा है, एंड नोबिता की दादी माँ पहले इसी रूम में रहा करती थी, एंड उन्होंने अपनी आखिरी पल भी इसी रूम में गुजारे थे। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ये भी समझते हैं कि नोबिता इस रूम में इसीलिए नहीं जाता क्योंकि इस रूम में नोबिता की दादी माँ का घोस्ट रहता है। तो गाइस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एपिसोड में हमने नोबिता को उस रूम में जाता हुआ देखा भी था, एंड नोबिता उस रूम में ज़्यादातर इसलिए नहीं जाता क्योंकि नोबिता के डैड ने सबको मना कर रखा है, क्योंकि उस रूम में नोबिता की दादी माँ का कई सारा सामान रखा पड़ा है। नोबिता की दादी माँ नोबिता के डैड और उनकी फैमिली से खूब प्यार करती थी, एंड इसलिए नोबिता के डैड नहीं चाहते कि उनका कोई भी सामान इधर उधर हो जाए या फिर खो जाए। एंड गाइस, अब बात रही कि डोरेमोन नोबिता के रूम के कबाड़ में क्यों सोता है। वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता है या कहीं नीचे भी तो सो सकता है, वो कबाड़ में ही क्यों सोता है। तो गाइस, इसका रियल रीज़न बताने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसको साइड करते हुए अब हम दोबारा अपनी टॉपिक पर आते हैं, डोरेमोन नोबिता के कबाड़ में आखिर क्यों नहीं सोता। तो गाइस, इसका जो रियल रीज़न है वो है कि डोरेमोन हमेशा से अपना एक खुद का कमरा चाहता था जहाँ पर उसे कोई परेशान ना कर सके, लेकिन नोबिता की फैमिली के पास एक्स्ट्रा रूम तो है नहीं जो वो डोरेमोन को दे सके, एंड इसीलिए डोरेमोन को नोबिता के कबाड़ में सोना पड़ता है। एंड अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि डोरेमोन जिस कबाड़ में रहता है उसने उसमें एकदम अच्छे से रूम की तरह कई सारे पिक्चर्स लगा के डेकोरेट कर रखा है। एंड डोरेमोन की इस बात का पता हमें एक एपिसोड में भी चलता है जहाँ पर नोबिता कहता है कि अगर मेरी फैमिली अमीर होती तो डोरेमोन के पास भी पर्सनल एक रूम होता, जिसे सुनकर डोरेमोन खूब ज़्यादा खुश हो जाता है एंड नोबिता की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस एपिसोड के एंड में वो दोनों कुछ नहीं कर पाते एंड डोरेमोन को दोबारा कबाड़ में ही रहना पड़ता है। एंड गाइस, इन दोनों में ही मैंने आपको कोई थ्योरी नहीं बताई है, ये दोनों रियल रीज़न है कि आखिर क्यों नोबिता उस रूम में नहीं जाता एंड आखिर क्यों डोरेमोन कबाड़ में सोता है। तो गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ अब आपको किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस।